हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, जो टाइटल और थंबनेल देखा वो 110% सच है कि अगर दुबई में किसी को पैसा देते हो दोस्तों, आप कर्ज उधार देते हो, तो आपको भी जेल हो सकता है। इसके बारे में प्रॉपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट दोस्तों मैं अपने वर्कर भाइयों के लिए बनाते रहता हूँ। क्योंकि खुद मैं 12 साल से ऑलरेडी खुद मैं वर्कर का काम करता था दोस्तों, मगर धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ में अच्छा किया और धीरे धीरे अब ग्रो किया हूँ दोस्तों, तो थोड़ा लेबर कैटेगरी से थोड़ा ऊपर उठ गया हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यह अपडेट क्या आया है, क्योंकि यह मामला दोस्तों बहुत पहले ही दुबई गवर्नमेंट ने ये सारे लोगों को बोल दिया था, बट लोग सुनते नहीं हैं और इस तरह का कंटेंट देखते नहीं है, इसलिए हम लोग जैसा जो वर्कर होता है वही ये सब चीज़ में फंसते हैं। तो ये कंटेंट क्या है दोस्तों कि देखिए, अगर आप किसी को कर्ज उधार दे दिए, ठीक है, मान लिया ऐसे होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को उधार दे देता है, एक रूम वाले दूसरे रूम को देते हैं कि इस मंथ मैं पैसा भेज लेता हूँ, अगले मंथ तुमको ज़रूरत होगा तो तुम भेज देना। तो इसी का मामला ऐसा चल रहा था दोस्तों। तो मुसाफे के अंदर जो लोग दुबई में हैं उन लोगों को मालूम है, अबू धाबी के अंदर एक मुसाफा जगह है जहाँ पर लेबर लोग ज़्यादा रहते हैं, मैंने खुद वहाँ पर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक मामला ऐसे ही गया कोर्ट में। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कर्ज लिया था, मगर उसको क्या किया दोस्तों कि वो सूद पर दिया। सूद आप तो समझते होंगे, जैसे ब्याज बोलते हैं दोस्तों, तो ब्याज पर दिया। तो दोनों में ऐसा फाइटिंग हो गया, मतलब ऐसा बाताबाती लफड़ा हो गया, फिर वहाँ पे सुरता आया, पुलिस वाले आया, फिर मामला ये जो है ना कोर्ट में गया, लेबर कोर्ट में पहले गया, क्योंकि लेबर का प्रॉब्लम लेबर कोर्ट ही ये करता है, उसका प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। और एक बात है दोस्तों, अगर जो भी कमेंट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारा भाइयों ने इस तरह का कमेंट करते हैं, तो जो भी कमेंट करना चाहते हो तो चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करोगे तो आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि दो दोस्तों के बीच जो प्रॉब्लम हुआ था, तो प्रॉब्लम लेबर कोर्ट में गया। ठीक है, तो लेबर कोर्ट ने दोस्तों सीधा जो पैसा दिया था और जो पैसा लिया था, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है दोस्तों, जो पैसा लिया था और जो पैसा दिया था, वो दोनों को जेल हुआ, दोनों का जेल हुआ दोस्तों। ये रियल बोल रहा हूँ, आप इसको झूठ मत समझना, नहीं तो आप भी आज न कल अगर इस तरह का धंधा करते हो तो बिल्कुल फंसोगे। तो क्या हुआ, पहला तो लोग लफड़ा किया, लफड़ा की वजह से एक प्रॉब्लम अलग हो गया। दूसरा, यहाँ पर देखिए, ब्याज बिल्कुल मना है, यह आर्टिकल में लिखा हुआ है दुबई लेबर लॉ में और दुबई लॉ में दोस्तों, कि कोई भी अगर ऐसे अगर ब्याज पे पैसा लेन देन करता है तो उसको 5 साल का सज़ा होगा। ठीक है, और बहुत ह्यूज अमाउंट फाइन आएगा। यहाँ पे ब्याज बिल्कुल मना है। हाँ, जो बैंक है वो अलग है, क्योंकि लाइसेंस लेकर वो लोग करा रहा, एक दूसरे में लेन देन करके ब्याज नहीं लेना है, क्योंकि इनकेस पैसा ऐसा चीज़ है कि आज ना कल किसी से आप दोस्त दोस्त में बुराई करा देता है, भाई भाई में बुराई करा देता है, तो किसी को दोस्तों पैसा लेने और देने से पहले आप लोग सोचा करो, नहीं तो फिर आपके साथ ऐसा घटना हो सकता है। मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, इसको बनाने का कारण है ये सतर्क करना, अपने वर्कर भाइयों को बताना कि इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग कहानी सुनते हैं और वीडियो देखते हैं, बहुत सारा लोग, हज़ारों वीडियो आता है, हज़ारों कहानी डेली जाता है, उससे क्या होता है, उससे सीखने की ज़रूरत है, हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है, इन फ्यूचर हम लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि किसी को दोस्तों यहाँ पे सूद ब्याज पर किसी को पैसा बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम शायद अगर लड़ाई झगड़ा कभी हुआ इन फ्यूचर, मामला पुलिस तक गया, कोर्ट तक गया, तो आपको दोनों को जेल हो जाएगा और आपको ह्यूज अमाउंट फाइन आएगा। अभी पता नहीं वो लोग को कितना दिन हुआ, क्या हुआ, बट वो लोग को दोस्तों लेबर कैंप से उठा कर लेके गया, मामला कोर्ट में गया था तो कोर्ट का सुनवाई, क्योंकि कोरोना वायरस में डायरेक्ट ऑनलाइन सुनवाई होता है, वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं करना होता है, तो वो लोग को रूम से लेकर उठाकर पुलिस गया। अब कितना दिन का हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा वहाँ की जानकारी लेकर। ठीक है, ये कोई न्यूज़पेपर वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, ये रियल घटना है दोस्तों, ये रियल जानकारी है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि अवेयर रहें, ये सब गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब गलती बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, एक दोस्त दूसरे दोस्त को लेना देना अलग चीज़ है, मगर किसी से ब्याज पर लेना देना मत करना भाई, और यहाँ पर सूद बिल्कुल नहीं चलाना, नहीं तो ये इस्लामिक कंट्री दोस्तों, ये कुरान जो होता है मुस्लिम भाई लोग का, उन लोग के रूल के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो उसमें भी लिखा हुआ कि ब्याज खाना हराम है, मगर यहाँ पे बैंक जो सिस्टम है, बैंक का अलग चीज़ है, बैंक से अगर कोई ब्याज ले रहा है दे रहा है तो वो तो गवर्नमेंट से अथॉराइज्ड राइट लेकर ये काम कर रहा है, मगर एक आदमी दूसरे आदमी को ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लियर जो चीज़ लिखा हुआ है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा हम लोग को। तो ये अपडेट था दोस्तों, मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।